निटिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, निटिंग सीखो से मैं सरिता शर्मा। आज मैं आपके लिए सिंगल कलर का पैटर्न लेकर आई फ्रेंड्स। इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन में, बेबी स्वेटर में, स्टॉल में, स्कार्फ में इस डिज़ाइन को आप डाल सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने फंदे लेने हैं, 2 मल्टीपल + 2 H फंदे। बॉर्डर बनाएंगे, बॉर्डर बनाने के बाद आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ईजी है और ये डिज़ाइन बनता भी बहुत जल्दी है। तो ये देखिए, फर्स्ट रो बनाएंगे राइट साइड से। ये हमारा एच फंदा है, इसको हम सीधा बना रहे हैं, आप इसको स्लिप भी कर सकते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद आपने फर्स्ट रो बनानी है, सीधा बनाना है आपने, उसमें रॉन्ग साइड से ये डिज़ाइन हमारा बनेगा। तो फर्स्ट रो सीधा बनाकर इसे मैं कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए, फर्स्ट रो में सीधा बनाकर इसे हमने कंप्लीट किया। अब बनाएंगे रॉन्ग साइड से सेकेंड रो। ये हमारा एच फंदा है, इस फंदे को यहाँ पर मैं उल्टा बना रही हूँ। धागे को अब हम पीछे करेंगे। अभी देखिए, दो फंदों के बीच में से हम सिलाई को इस तरीके से ऐसे लेंगे, ये देखिए, और इसे यहाँ से सीधा बना लेंगे। अब ये दो फंदे हैं हमारे पास, इन दो फंदों में से ऐसे सिलाई को करेंगे पीछे, और यहाँ से अब हम इस फंदे को सीधा बना लेंगे। ये देखिए, दो फंदे हमारे यहाँ से निकलेंगे और दो ही फंदे हमारे यहाँ पर ये बन गए हैं, इसे निकाल देंगे। फिर रिपीट करेंगे, दो फंदे के बीच में से ऐसे लेना आपने सिलाई को, इसको बनाना है, ये देखिए। फिर अब दो फंदे आपने फिर एक साथ लेंगे और इन दोनों फंदों को पीछे से हमने सीधा बनाना है और इसे अब हम निकाल देंगे। फिर रिपीट करेंगे, दो फंदे, और इसे निकाल देंगे। फिर रिपीट करेंगे, दो फंदों के बीच में से सीधा बना लेंगे। ये दो फंदे लेंगे, 1 और ये 2, इनको हमने पीछे से सीधा बनाना है, ये देखिए, और इसे अब हम निकाल देंगे। सीधा बनाएंगे, दो फंदे आपने एक साथ लेने हैं, ये देखिए, और इन्हें पीछे से सीधा बनाना है, ये देखिए, और इनको अब निकाल देंगे। इसी तरीके से सेकेंड रो को आपने रॉन्ग साइड से रिपीट करते जाना है। ये देखिए, दो फंदे, दो फंदों को पीछे से आपने सीधा बनाना है, ये देखिए, और इनको अब हम निकाल देंगे। दो फंदे हम बना रहे हैं, दो फंदे ही हम यहाँ से कम कर रहे हैं, तो ये हमारा ये फंदे पूरे हो जाएंगे और ये डिज़ाइन आपका यहाँ से बनता जाएगा रॉन्ग साइड से। ये देखिए, सीधा बनाया हमने, दो फंदे लिए, दो फंदों को पीछे से आपने इस तरीके से सीधा बनाना है। सेकेंड रो में रॉन्ग साइड से आप इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, रॉन्ग साइड से सेकेंड रो को हमने कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड रो बनाएंगे राइट साइड से। ये देखिए, सेकेंड रो बनाने पर आपको कुछ फंदे इस तरीके से दिखाई देंगे 2 पेयर में। अब बनाएंगे राइट साइड से थर्ड रो। थर्ड रो में ये हमारा एच फंदा है, इसको हम सीधा बनाएंगे। अब ये देखिए, दो फंदे हमारे हैं, इन दोनों फंदों को हमने एक साथ ऐसे लेंगे और इसे हम सीधा बना लेंगे, ये देखिए। फिर इसी में से दोबारा लेंगे और इन फंदों को पीछे से हमने सीधा बनाना है, ये देखिए, दो फंदे हमने यहाँ पर बनाए, दो को हमने यहाँ से निकाल देना है। फिर रिपीट करेंगे, ये देखिए, दो फंदे हैं ये हमारे, 1 और 2, इन दोनों फंदों को यहाँ से सीधा बना लेंगे, पीछे से इसे हम फिर से सीधा बनाएंगे, इसे अब निकाल देंगे। फिर ऐसे ही रिपीट करेंगे, दो फंदों को हम एक साथ लेना है और इसे हम सीधा बनाएंगे, ये देखिए, अब इसे पीछे से हमने इसे सीधा बना लेंगे और इन फंदों को निकाल देंगे। फिर रिपीट करेंगे, दो फंदे हैं ये देखिए हमारे, ये दो फंदे हैं, इन दोनों फंदों को एक साथ लेना आपने और इसे हमने सीधा बनाना है, पीछे से सीधा बनाना है। आपने फंदों को ना ज़्यादा लूज़ रखना, ना ही ज़्यादा आपने टाइट रखना, नॉर्मल ही आपने इसको रखना है। ये देखिए, दो फंदे लेंगे एक साथ और इसे, ये देखिए मैं किस तरीके से ऐसे, ये देखिए, फिर रिपीट वापस पीछे से, ये देखिए, और इसे अब निकाल देंगे। ना ज़्यादा मैंने लूज़ लिया, ना ही ज़्यादा मैंने इसको टाइट किया, ये देखिए, और अब इसको यहाँ से इसे निकाल देंगे। राइट साइड से थर्ड रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट करें। ये देखिए, राइट साइड से थर्ड रो को हमने कंप्लीट कर लिया। ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब रॉन्ग साइड से फोर्थ रो बनाएंगे। ये हमारा एच फंदा है, इसको हमने यहाँ पर उल्टा बनाया,
ये देखिए अब सभी फंदे हमारे टू पेयर में हैं। ये देखिए फोर्थ रो में सभी फंदे आपने उल्टे ही बनाने हैं। इस रो को उल्टा बनाकर हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए राइट साइड से फिफ्थ रो बनाएंगे। ये हमारा एज फंदा है, इसे मैं यहाँ पर सीधा बना रही हूँ और इसे निकाल देंगे। फिफ्थ रो में सभी फंदे आपने सीधे ही बनाने हैं। ये देखिए इस रो को सीधा बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनकर हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड रो से ये डिज़ाइन आपने बनाना है और रॉन्ग साइड से ये डिज़ाइन हमारा बनेगा। फर्स्ट रो में आपने सीधा बनाना है, सेकेंड रो से आपने ये रॉन्ग साइड से डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। देखिए दो फंदे हैं, दो फंदों के बीच में से आपने इस तरीके से सिलाई लेना है। ये सीधा बनाया, अब दो फंदे हम एक साथ ले लेंगे। ये देखिए और इसे पीछे से हमने सीधा बना लेना है। ये देखिए इन दो फंदे हमने बनाए, दो को हमने निकालना है। फिर रिपीट करेंगे, दो फंदे हैं, दो फंदों के बीच में से आपने सीधा बनाना है और अब दो फंदे फिर हम एक साथ लेंगे और इसे पीछे से सीधा बना लेना है। ये देखिए और इन्हें हम निकाल देंगे। ऐसे ही आप रिपीट करते जाएंगे और फ्रेंड्स आपका डिज़ाइन ये बन जाएगा। ये देखिए और बड़े पैटर्न में आपको ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए और ये देखिए दोनों साइड से ही आपको ये डिज़ाइन दिखाई देगा। स्टॉल में, शॉल में आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं और ये डिज़ाइन बनता भी बहुत जल्दी है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।